तरंग रमणीय जटाकलापम्। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम्। नारायण प्रियमनंग मदापहारम्। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। गोचरमणिकलोकस्वरूपम्। विष्णुसुरसेवित पादपीठम्। वामेण विग्रहवरेण कलत्रवन्तम्। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। भज विश्वनाथम्। समय आ गया है, अब दुनिया को दंडित करने वाले देवताओं से उन देवताओं की ओर बढ़ना चाहिए जो समावेशी हैं, जो केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि हर जीव को अपना मानते हैं। योगेश्वर का यही मतलब है, विश्वनाथ का भी मतलब यही है। इसका मतलब है कि हर कोई, हर चीज जो जीवित और मृत है उनमें शामिल है, न तो किसी के पक्ष में न किसी के खिलाफ। इस दुनिया के भविष्य के लिए हमें इसी की जरूरत है, क्योंकि आप चाहे इसे समझें या ना समझें, आप इतना तो समझते हैं कि आज मानवता जिस तरह से सशक्त है, अगर हम समावेशी नहीं हैं तो हम एक गंभीर आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। गंभीर आपदा। हमने अभी से यह चर्चा शुरू कर दी है कि तीसरा विश्व युद्ध कब शुरू किया जाए। फिलहाल हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ, हम यहां तक पहुंच गए हैं क्योंकि बिना इंसान के अंदर एक गहन समावेशी भावना के बिना यह सशक्तिकरण एक गंभीर आपदा होने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि इस समय आप में से कई लोग विभिन्न देशों से यहाँ पर हैं। कृपया, ये महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य किसी खास फिलॉसफी या विचारधारा को आगे बढ़ाना नहीं है, इसका उद्देश्य संपूर्ण जीवन को एक जीवन के रूप में देखना है। तो विश्वनाथ जी भी यही हैं, यही पशुपतिनाथ हैं, यही योग हैं या योगेश्वर हैं, क्योंकि इन सबका उद्देश्य एकत्व और समावेश की भावना है। इसे दुनिया का भविष्य बनना ही पड़ेगा, नहीं तो भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। हम ऐसे स्थान पर खड़े हैं। काशी का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। तो आप यहाँ प्रकाश के स्तंभ को देखने या उसकी सराहना करने नहीं आते, आप यहाँ प्रकाश का स्तंभ बनने की चाह पैदा करने के लिए आते हैं। इसका उद्देश्य यही है। आइए इसे संभव बनाएं। नागात्मकम सकल निष्कलम आत्मरूपम्। वैसे हम गंगा के तट पर हैं, वो खूब भरी हुई है। वो कहते हैं ये बाढ़ है, मैं इसे भरपूर गंगा कहता हूँ। और काशी में जितने भी विकास हुए हैं उन्हें देखना तो बहुत ही शानदार है। वो सभी अधिकारी जिन्होंने इस पर काम किया है वो सब यहाँ पर हैं, और शिव के सारे पागल भक्त भी यहाँ हैं। अगर आप अपने दिमाग में बहुत तार्किक हो जाते हैं तो आप कब से पीड़ित हो जाएंगे, जीवन कब से पीड़ित हो जाएगा। अपने दिल में आपको थोड़े से पागलपन की जरूरत है, और उसके लिए शिव से बेहतर कोई ईंधन नहीं है।
आपके दिल में आग लगा देने के लिए। यहाँ हम काशी में हैं, जो प्रकाश का स्तंभ है, तो लालसा बस पूजा करने की नहीं है, बल्कि हम में से हर एक की लालसा प्रकाश का स्तंभ बन जाने की है। बहुत बढ़िया, आइए इसे संभव बनाएं। वो शयन आरती आपके लिए थी, उसका मतलब है शिव के लिए लोरी। अगर उन्हें सुलाने के लिए इतना सब करना पड़ता है तो कल्पना कीजिए उन्हें जगाने के लिए क्या करना पड़ता होगा। लेकिन उनकी समस्या ये है कि वो बहुत ज़्यादा जागृत हैं, उन्हें सुला पाना मुश्किल है, जगाना कोई समस्या नहीं है। आपको उसी तरह बनना चाहिए,
आपको सुला पाना मुश्किल हो, आपको जगाना कभी भी समस्या ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो आप प्रकाशवान हो जाते हैं। भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम।